जय हिंद साथियों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो मिसली मिसलिनियस फैक्ट थे उसके पार्ट टू में इससे पहले मैं पार्ट वन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में देख सकते हैं और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर आपको अगर देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं उसमें सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से तो आप है ना पता चल पाएगा कि पेपर किस लेवल से बनता है ठीक है आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक्सीलेंस बाय एपीएस सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस है ना सीरीज़ में तो आप उनके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे ओके और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर ट्वेंटी सिक्स हु एमोंग्स द फॉलोइंग्स वॉज ए बेवर्स व ए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कबीर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन हू ऑफ द फॉलोइंग्स इन्वेंटेड्स मूवीस प्रोजेक्टर्स ऑप्शन सी जे एल ब्रेड इज़ द रइट आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्वेंटी एट एमोंग द फॉलोइंग्स हु वॉज दरलीएस्ट विस्टर्स टू इंडिया option d is the right answer megisthenes and most important questions because this questions is many times repeats so important questions right now and learn now next 29 how is the how is leela Seth now as option c is the right answer first woman's chief justice of a court in india and most important questions most most important questions. Next thirty, which one of the following is the oldest Grand Slam of the world? Option A is the right answer. Wimbledon. is the right answer. Next thirty one mentions the odd man out. Option B is the right answer. Oliver's Khan and most important questions. लर्न नाउ थर्टी टू हु इज नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट थर्टी थ्री बिच बन ऑफ दास फॉलोइंग इज ए नॉट ए फुटबॉल टूर्नामेंट तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो है सॉरी बारदोली ट्रॉफी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट थर्टी फोर रेहन पोंचा रेहन पोंचा इज बेल नाउस स्पोर्ट मैन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स स्पोर्ट्स स्विमिंग इज द राइट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट 4. Which is sports is the ball worker's cups awarded in Olympic Games? B. Options Boxing is the right answer. Ball worker's cuff is related to boxing. Next. 36. The Olympics Associated for, uh, of India gets, uh, gets its grants from. Option C is the right answer sport authorities of India. Next thirty-seven the famous women's athletes Marian Jones is from which of the following countries? B option is the right answer USA and important question. Thirty-eight Anup Sridhar is bell uh, now for of playing. ऑप्शन ए बैडमिंटन इज़ द राइट आंसर अनूप श्रीधरन नेक्स्ट थर्टी नाइन विच कंट्रीज हॉस्टिट्स दास अलान अजलन शाह कफ हॉकी टूर्नामेंट्स ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर मलेशिया नेक्स्ट फोर्टी हु एमोंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सनैलिटीज इज नाउ एज दायोली एक्सप्रेस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पी टी ऊषा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ नेक्स्ट फोर्टी वन द टू थाउजेंड फोर्टीन विंटर्स ओलम्पिक्स विल बी होस्टेड्स बाय इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन इंजनियल वील्ड लायर्स कॉम्बिट्स एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियाज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तेजस एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ नेक्स्ट भवन इज इसका आपको आंसर बताना है ऑप्शन सी ए Geoportals of ISROs with 3D imaging capabilities of India uh, is the right answer and most important questions right now. Next 44 Operations Cactus is uh, the name given to India's military's interventions in. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मालदीव नेक्स्ट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियंस डिफेंस व्हाट इज ध्रुव ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुप इज द राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट कैरोजेनिक्स इंजेंस इज Carnogenic engines is used in. Option C is the right answer. Space settles is the right answer. And important questions right now. Next. 47. G sets for 12 launched by PSLB C 17s from Sriharikota's is a dot dot satellite. Option D is the right answer. Communication. एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्टी एट वैन इज दास इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्वड ऑप्शन इज द रईट आंसर दिसंबर एट्टीन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ नेक्स्ट फोर्टी नाइन वैन इज दाज इंटरनेशनल डे फोर दाज एलिमिनेशन ऑफ रीकल्स Discriminations. Option B is the right answer. Twenty first March and important questions right now. Next 50. Rajiv Gandhi's birth anniversary is celebrated as dot and that anniversary is as option B is the right answer. Sadhbhavna's Devas and Anti-Terrorism Day. Sadbhavana Devas. इनका जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और एंटी टेर डे वो डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है ठीक है फिफ्टी वन बिच स्क्रेप्चर्स वॉज कॉल्ड हिज मदर्स वाइज गांधी जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर भागवत गीता एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ नेक्स्ट द यू एन डिक्लेयर्स टू थाउजेंड फाइव फोर फाइव टू फोर्टीन एजदनेशनल फोर बी ऑप्शन सेकेंड इंटरनेशनल डिसाइड्स ऑफ वर्ल्ड इंटिनस पीपल्स सो यहाँ पर फ्रेस होता है ये जो पार्ट सेकेंड है आपका मिशनियस फैक्ट और इससे पहले मैं पार्ट वन को बता चुका हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जिन पे स्टार लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हें तैयार कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन आपको टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तेरह मार्च को होने वाले पेपर में हेल्पफुल रहेंगे ओके एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद हम हिंदी को डिस्कस करेंगे उससे पहले डेज रहते हैं डेज होते हैं इंपोर्टेंट डेज जैसे कि इंटरनेशनल यूथ डे रिपब्लिक डे ऐसे करके डेज़ का है ना एक से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में तो वो इसके बाद करवाऊंगा उसके बाद हिंदी कराऊंगा ठीक है अभी के लिए जैन साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में